एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। अनामिका दिल की बहुत अच्छी थी। वो दूसरों का ख्याल रखती थी और देखती थी ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पर अनामिका का पति निकम्मा था। वो बस घर पर ही बैठा रहता था, जिस वजह से शारदा और अनामिका को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शारदा दिहाड़ी मजदूर का काम करती थी, जहाँ पे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। अनामिका छोटा मोटा काम करके घर के जरूरत के सामान का इंतजाम कर लेती थी। इस तरह से वो किसी तरह जी रहे थे। तभी एक दिन रमेश आके कहने लगता है, अनामिका अनामिका, दोपहर हो गया है, अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अगर समय पे खाना नहीं मिला तो तुम्हें तो पता ही है मेरा गुस्सा। अरे, आपको सिर्फ परेशान करने ही आता है, घर पे मुट्ठी भर अनाज तक नहीं है। दो दिन हो गए, हमें कोई काम ही नहीं मिला। सासू माँ को कमर में दर्द है और वो घर पर ही बैठी हुई है। मुझे वो सब मत कहो, मुझे बस पेट भर के खाना है। मेरे लिए जल्दी खाना लेकर आओ। अभी मैं कहाँ जाऊँ? अभी मुझे कहाँ से खाना मिलेगा? मैं वो सब नहीं जानता हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे तुरंत खाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। वही कीजिए, कम से कम ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस गंदी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। अनामिका और रमेश जब लड़ रहे थे, तभी शारदा वहां आ जाती है। आने के दौरान उसे एक कवर मिला था। रमेश शारदा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अनामिका रो रही थी। बेटा अनामिका, तुम इस तरह उदास क्यों हो? हम धरती माँ के लिए तो केवल बोझ ही है, हमारी आंसू से वो खुश होती है। अपना आंसू पोछो, ये लो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ, इसे खा के अपना पेट भरो। हाँ, ऐसा ही रहना, मुझे पता है कि पूरी बिरयानी मेरे लिए ही है। ये कहकर रमेश उस पैकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद शारदा और अनामिका गले लगकर सिसक सिसक के रोती है। शारदा अपनी बहू को चुप कराती है। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आओ, किसी से परिचय कराना चाहती हूँ मैं तुम्हारी। कौन है सासुमा? हमारे रिश्तेदार? नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा, हमारे ईश्वर। तुम मेरे साथ आओ बेटा, आओ। ये कहकर शारदा अपनी बहू को एक जगह ले जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, वहाँ वो एक छोटी सी दुकान चला रही थी। शारदा अपनी बहू का उस बुजुर्ग से परिचय कराती है। वो बुजुर्ग महिला हंसती है और शारदा को अपने थैले से पैसे निकाल के देती है। शारदा उन्हें धन्यवाद कहती है, फिर अपनी बहू को साथ लेके वहाँ से आ जाती है। रास्ते में अनामिका अपनी सासू माँ से उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछने लगती है। सासू माँ, वो कौन है? ऊपर से उन्होंने हमें इतने पैसे भी दिए। देखो बेटा, वो बहुत अच्छी इंसान है, वो हमारे जैसे लोगों को सहायता करती है। मैंने उनसे जो पैसे लिए हैं, उन पैसों से हम अब व्यापार करेंगे। हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं। उन्होंने जो पैसे दिए सूद के साथ, हमें उन्हें लौटा देने होंगे। और अगर हम इतने पैसे उन्हें वापस नहीं दे पाए तो? अगर हम पैसे लौटा नहीं पाए तो एक महीने तक हमें उनके यहाँ काम करना होगा। उन्होंने तुम्हें देख कर ही पैसे दिए है, तुम्हें हमारे परिवार को बचाना होगा बेटा। ठीक है सासू माँ, इतने दिनों के बाद हमें अच्छा मौका मिला है, हम जल्दी से अपना काम शुरू करेंगे। फिर तुम कौन सा व्यापार करने का सोच रही हो बेटा? मैं सोच रही हूँ इडली बनाकर बेचने का माँ। हर दिन लोग 5 किलोमीटर चल के जाते हैं टिफिन खाने के लिए। आसपास 5 किलोमीटर तक कोई टिफिन का दुकान नहीं है। दूसरे तरफ जो मजदूर का काम करते हैं, उन्हें सुबह सुबह ही टिफिन चाहिए होता है। अगर हम इडली बनाकर रोज बेचते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसी का व्यापार करना अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, पर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। तुम्हारे पति है ना, अगर वो आके सारे इडली खा ले तो सोचो क्या परिस्थिति होगी। इसीलिए माँ जी, मैंने सोचा है उनके लिए स्पेशल घी इडली बनाने का। 2-3 खाने से उनका पेट पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है बेटा, फिर तो कल से ही हम अपना काम शुरू करते हैं। शारदा और अनामिका अगले दिन से ही वो इडली बना के बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ आना शुरू कर देते हैं। 10 दिनों में ही उन्होंने उतना पैसा कमा लिया जितना बुजुर्ग महिला ने दिया था, साथ ही उन्हें मुनाफा भी होता है। शारदा अनामिका ने मिलके बहुत परिश्रम किया था, जिस वजह से वो बहुत खुश होते हैं।
मैं बहुत खुश हूँ बेटा, हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, हम उस बुजुर्ग महिला का पैसा भी लौटा दिए, अब हम खुशी खुशी जिएंगे। नहीं सासू माँ, वो वक्त नहीं आया है, हमें एक घर बनाना है, उनसे छोटे छोटे काम करवाने हैं और उन्हें सही रास्ते पे लाना है हमें, तब जाके हमारी जिंदगी सुखी होगी। ठीक है बेटा, वैसा ही करो। बाद में अनामिका अपने पति को भी वहाँ पे बुलाती है और होटल के विषय में छोटी छोटी जानकारी उन्हें देती है। रमेश वहाँ आने वाले ग्राहकों को इडली जाके सर्व करता है, शारदा चटनी और अचार सर्व करती है, साथ ही साथ बर्तन धोने का काम भी शारदा ही देखती है। निकम्मा रमेश अब अनामिका के इडली के व्यापार में उसे सहायता करने लगता है। शारदा ने गौर किया, जब से रमेश व्यापार में आके अनामिका के साथ हाथ बटाने लगा, जो भी पिछली दरारें थी अनामिका और रमेश के बीच, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गई। अनामिका अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगा इडली बनाना शुरू करती है। वो रंग बिरंगा इडली भी स्वाद में बड़े अच्छे थे, जिस वजह से वहाँ पे ग्राहकों का भीड़ लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है। अरे वाह, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। आहा, बहुत बढ़िया अनामिका, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब लगाई है, तुम एक नंबर हो। तुम्हारे इस छोटे छोटे रंग बिरंगा इडली बनाने की तरकीब से ग्राहकों की तो भीड़ लग गई है हमारे दुकान में अनामिका। अनामिका के रंग बिरंगा इडली खाने के लिए उसके दुकान में लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। उस छोटी सी जगह में ही अनामिका का नाम बहुत फेमस हो जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से अनामिका कुछ लोगों को काम पे भी रखती है। कुछ ही दिनों में रंग बिरंगा इडली खाने के लिए लोगों की भीड़ दुगनी हो जाती है और इसी के साथ अनामिका अपने लिए एक घर भी खरीद लेती है। अनामिका का इडली का व्यापार अब धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। अपने आसपास के इलाके में अनामिका इसी तरह के 10 और इडली के दुकान खोल लेती है। अनामिका की तरक्की देखकर शारदा बहुत खुश होती है। रमेश ने भी अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करता है। अनामिका कई लोगों की मदद करने लगी और इस तरह से सुखमय जीवन बिताने लगी। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा का रमेश नाम का एक बेटा था। रमेश सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक लड़की से प्यार होता है, फिर उस लड़की ने धोखा दे दिया। तब से रमेश पागलों की तरह करने लगा। वो शराब की आदी हो गया और अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। उस गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। अनामिका रमेश से बहुत प्यार करती थी। उसे पता चला रमेश को प्यार में धोखा मिला, इसीलिए वो देवदास बन गया है और दुखी होकर घूमता फिर रहा है। तभी एक दिन अनामिका के पिताजी रविंद्र शारदा से मिलते हैं। नमस्ते दीदी, क्या हालचाल है, सब ठीक है ना? अब क्या बताए भैया, मेरा बेटा शहर की लड़की से धोखा खा के पागल हो गया है, उसके बारे में सोच करके भी मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, मैं भी आपसे उसी विषय में बात करने आया था। उस विषय में क्या, मेरे बेटे ने आप लोगों को परेशान किया, कृपया उसे छोड़ दीजिए। अरे रे रे, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी है ना अनामिका। हाँ वो तो है। वो काफी दिनों से आपके बेटे से प्यार करती है, मैंने बहुत रिश्ते लाए पर सभी को उसने ना कह दिया, मेरे जानकारी के बिना कुछ रिश्तों को सेट ही नहीं होने दिया। बाद में मुझे असल मामला पता चला, वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। आपने तो बहुत खुशखबरी सुनाई भाई साहब, कितने दिनों से मैं इस बात के लिए इंतजार में थी। अनामिका मुझे भी बहुत पसंद है, एक बार उसे हमारे घर ले आइए। बेटे को मनवाने का बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा मुहूर्त आपको मैं बताता हूँ, वैसे शाम को मैं अनामिका को भेज दूंगा। ठीक है भैया, भेज दीजिए। रविंद्र के जाने के बाद शारदा खुशी से उछल उठी। उसे लगा अगर वो बेटी की शादी करा देती है तो जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाएगी। उस दिन शाम को रमेश ऑफिस से घर लौटता है। उसे देखकर लगा कि वो ठीक है। शारदा को लगा ये अच्छा समय है, उसे अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। बेटा हर दिन तुम आ रहे हो जा रहे हो, कभी तुम मेरे बारे में भी सोचते हो? कम से कम मैंने तुम्हें जन्म दिया, उसके लिए भी तो परवाह किया करो। अपने संतान को बिगड़ते हुए देख
मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? जो तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया उसके बारे में सोच के जो प्यार करता उसका नहीं सोचते हो। अच्छा होता अगर जहर देके मुझे मार ही देते। क्या हो गया माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्या परेशानी है बताओ मुझे। मैं घर पे अकेली नहीं रह सकती हूँ, बुजुर्ग हो रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी शादी करवानी। नहीं करनी शादी। तो मैं अभी जाके मर जाती हूँ, जाने दो मुझे। ऐसा कहकर शारदा घर में जाके आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। रमेश जाके अपनी माँ के पास विनती करने लगता है, वो आत्महत्या ना करने के लिए अनुरोध करता है। इस दौरान अनामिका वहाँ पे आ जाती है। वहाँ माँ बेटे की परिस्थिति देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। मैं तभी जिंदा रहूंगी जब तुम शादी करोगे, नहीं तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगी। माँ करूंगा, मैं करूंगा, शादी करूंगा। तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी करूंगा, बस तुम ये सब कुछ मत कर बैठो। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अरे जो मैं कह रहा हूँ तुम क्यों नहीं मान रही हो? देखो यहाँ भी ये लड़की है, तुम कहोगी तो मैं अभी के अभी इसी से शादी कर लूंगा। तो घर के मंदिर में हल्दी वाला धागा है, अभी उस लड़की से शादी करो, नहीं तो मुझे वक्त नहीं लगेगा अपनी जान देने में, समझे? शारदा की बातों से रमेश डर गया। वो दौड़ के पूजा के कमरे में गया और हल्दी का धागा लाकर अनामिका के गले में बांध दिया। रमेश और अनामिका की शादी होने के कारण शारदा बहुत खुश होती है। बाद में रविंद्र और सभी के सामने वो एक दूसरे को माला भी पहनाते हैं। नई बहू के आने से उस घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अनामिका थोड़ी बेवकूफ थी। उसकी सारी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब थे। धीरे धीरे शारदा और रमेश ये बात समझ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। देखो अनामिका, तुम्हारी वजह से मुझे और ज्यादा सर दर्द हो रहा है। जो भी काम करो अच्छे से किया करो, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है जी, वैसे ही होगा। ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े अभी के अभी आयरन कर दो, नहाने जा रहा हूँ मैं। ये कहकर रमेश नहाने चला जाता है। रमेश के आने से पहले उसके कपड़े आयरन होने थे, ये सोचकर अनामिका आयरन करने लगती है। उसके पति का शर्ट बड़ा खूबसूरत था। ये शर्ट बहुत खूबसूरत है, अगर मेरे पति इसे पहनते तो खूबसूरत लगेंगे, पर ये पहनने से उन पे बुरी नजर लग सकती है। मैं एक नजर पट्टू लगा देती हूँ, लेकिन एक टीका तो कभी भी मिट सकता है। अच्छा होगा अगर मैं पूरे शर्ट में ही नजर पट्टू लगा दूँ, फिर उन पे कोई नजर नहीं लगेगी। ये कहते कहते अनामिका रमेश का पूरा शर्ट जला देती है। फिर वो साफ सफाई करने में लग जाती है, फिर उसे बर्तन भी धोने थे। उसके बाद वो रमेश का कंप्यूटर, मोबाइल फोन और कुछ चीजें जिसे वो साफ करने लगती है। जब तक वो नहा के आएंगे तब तक मैं ये सब धो के साफ करके रखती हूँ, आकर जब सब धुला हुआ सूखा हुआ देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनामिका उसके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और भी जो कुछ बाकी सामान थे, उसे बर्तनों के तरह मल के साफ कर देती है। तब तक रमेश नहा के निकल आता है। कपड़े देखकर तो वह आश्चर्य हो जाता है। वो गुस्से से अनामिका के पास जाता है। वहाँ अनामिका उसके इलेक्ट्रॉनिक के सामान को बर्तनों के तरह धो रही थी। अरे अरे ये क्या कर दिया अनामिका, ऐसा कोई करता है क्या? छी छी, मेरा कंप्यूटर बर्बाद कर दिया तुमने, फोन भी अब बेकार हो गया, अपनी बेवकूफी की वजह से तुमने सारा सामान बर्बाद कर दिया। ये कहकर रमेश गुस्से से चला जाता है। जैसे ही रमेश जाता है, शारदा अपनी बहू को बहुत डांटती है। ये क्या पागलपंती है, कोई ऐसा करता है क्या? देखो वो कितने गुस्से में गया। ये सब तो मैंने उन्हीं के लिए किया था सासू माँ। इस कंप्यूटर और सेलफोन में उसके प्यार की निशानी थी, उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच सोच के वो दुखी होते थे माँ। अब जब मैंने ऐसा किया है तो संभव है कि वो पूरी तरह से उसे भूल जाए। जहाँ तक गुस्से की बात रही तो वो गुस्से में अब अलग से सोचने लगेंगे, तब जाके वो अपनी सारी पुरानी यादों को मिटा पाएंगे सासू माँ, सच मानिए। अनामिका को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। बेवकूफ बहू ने सासू माँ का दिल जीत लिया, उसने अनामिका की बहुत तारीफ की। उसके बाद से रमेश अनामिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश होती है।